पाकिस्तान में जाकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक बड़ी ही अहम जानकारी सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि बहुत से ऐसे हमने जो है बच्चे देखे हैं जो पाकिस्तान में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर डेंटल की जो एजुकेशन है वो ले रहे हैं। लेकिन अब जहां हम अगर बात करते हैं नेशनल हेल्थ कमीशन की और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो भी रेजिडेंशियल हैं, जो भी यहाँ के नागरिक हैं, उन्हें जो है मेडिकल एंड जहाँ हम बात करेंगे डेंटल एजुकेशन की, तो इनके लिए पाकिस्तान का सफर जो है ना करने की सलाह दी है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप वहां पर जाकर मेडिकल की एजुकेशन लेते हैं या फिर डेंटल की, आप अगर आप वहां पर जाकर एजुकेशन लेते हैं पाकिस्तान में जाकर, तो वो इंडिया में वो जो आपकी डिग्री है वो मान्य नहीं होगी, यानी कि उसे यहाँ पर वैलिड नहीं समझा जाएगा, और उसके लिए आपको नौकरी के जो आपके अवसर हैं इंडिया में वो भी नहीं दिए जा सकेंगे। और इसी के साथ सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ कमीशन और सेक्रेटरी डीसीआई की अगर हम बात करें, यानी कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो उनकी ओर से ही जो आदेश जारी किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि भारत का कोई भी नागरिक, ये विदेशी नागरिक जो पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या फिर बीडीएस या जो भी बाकी जो कोर्सेज हैं डेंटल कोर्सेज की अगर हम बात करें या जो भी आपके मेडिकल के कोर्सेज हैं वो अगर कर रहा है, तो वो FMGI स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मान्य जो है वो नहीं होंगे, यानी कि वो FMGI टेस्ट जो स्क्रीनिंग है आपकी जो उसके लिए पूरी तरह से जो इसको वैलिड जो है वो नहीं समझा जाएगा, यानी कि उसे इनवैलिड समझा जाएगा। और उसमें ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं उसके आधार पर उन्हें भारत में रोजगार का मौका, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का मौका जो है वो भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप अपने साल पाकिस्तान में जाकर वेस्ट करके आते हैं, अपनी पढ़ाई वहां पर अगर आप कंप्लीट करके आते हैं, तो वो आप ये समझ लीजिए कि भारत में वो आपकी डिग्री जो है पूरी तरह से इनवैलिड समझी जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी बहुत से ऐसे केसेस सामने आए थे टेरर फंडिंग की अगर हम बात करें, या फिर टेरर जो आपके टेररिज्म से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, जो कि कुछ ऐसे युवा हैं जो जम्मू कश्मीर से जाकर इंडिया पाकिस्तान में जाकर जो है वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी गतिविधियों में वो शामिल हो जाते हैं, और टेररिज्म को बढ़ावा देने के भी बहुत से ऐसे केसेस जो है वो सामने आए थे। और उसके मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया है कि मेडिकल की जो भी स्टूडेंट्स अगर पाकिस्तान से पढ़कर आते हैं, डेंटल के कोर्सेज अगर वो वहां से करके आते हैं, तो वो इंडिया में उनके वो कोर्सेज जो है वो इनवैलिड समझे जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में डिग्री कॉलेजेस की अगर हम बात करें या जो भी इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें पढ़ चुके या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं दिसंबर 2018 से पहले या उसके बाद में जो है MHA की अगर हम बात करें, तो उनकी जो सुरक्षा के लिए जो क्लियरेंस ली है तो वो जो है वैलिड होने वाली है। तो यानी कि जो अभी नई एडमिशन वहां पर जाकर जो बच्चे लेने वाले हैं उनके लिए ये जो नया ऑर्डर है ये लागू हो जाएगा। और अगर वो बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, पाकिस्तान में जाकर अगर वो पढ़ाई करते हैं, तो उनकी वो डिग्री इनवैलिड यहाँ पर समझी जाएगी। और माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें या फिर उनके बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में मेडिकल या फिर डेंटल जो डिग्री है उसका जो हायर एजुकेशन हासिल की है और भारत की तरफ से उन्हें नागरिकता भी अगर दी गई है और वे FMGI नेक्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है वहां पर प्रेजेंट होने या फिर भारत से जो उनकी सिक्योरिटी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद भारत में रोजगार के लिए जो है वो पात्र बने रहेंगे। तो यानी कि ये जो ज्यादा जानकारी है ये अभी के लिए सामने आ रही है और अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये तमाम बच्चों को समझना भी, जो अभी आने वाले टाइम में प्लानिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान में जाकर वो अपनी डेंटल एजुकेशन जो है वो लेंगे या फिर अपनी जो मेडिकल एजुकेशन जो है वो लेंगे। तो अब यहाँ पर NMC और साथ ही साथ DCI की तरफ से जो ये आदेश जारी किए गए हैं उसमें आपकी ये डिग्री जो है पूरी तरह से इनवैलिड समझी जाएगी। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर जो है पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो भी लोग इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं वो भी इस बात को जरूर समझे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचे।